नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैलेंडर के सीरीज में के पहले वीडियो में हमने सीखा था सप्ताह में दिन ज्ञात करना, और अपने इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हमने सीखा था एक माह में दिन ज्ञात करना, और आज के इस तीसरे वीडियो में हम सीखेंगे कुछ माह में दिन ज्ञात करना। जब एक माह की बात होगी दिन ज्ञात करने की, तो हम ट्रिक कौन सा लगाएंगे, तो बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि बटा में सात। और जब एक महीने से ज़्यादा की बात होगी, यानी कि दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छः महीने की बात होगी, तो हम कुछ माह में दिनों को निर्धारण करने वाली ट्रिक, यानी कि ट्रिक में क्या करेंगे, जब कुछ माह की बात होगी तो माह में बचे दिन बटा में सात, और जब भी सात रहे तो हम समझ रहे हैं कि हम शेषफल पर ध्यान ले जाते हैं। कैलेंडर के हर प्रश्न में जिसमें दिन लिखा हो उसके बटे में आप सात समझिए, यानी उसको सात से विभाजित करके शेषफल लिख सकते हैं प्रश्न को छोटा करने के लिए। तो आइए प्रश्न देखते हैं। यदि 9 अप्रैल सन 2000 को शुक्रवार था, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, चाहे तो आप मुजबानी भी लगा सकते हैं, 9 अप्रैल सन 2000 को क्या था, तो शुक्रवार था। तो पूछ रहा है कि 17 जुलाई सन 2000, यानी साल वही है, तो यहां पे हम लिख ले रहे हैं 17 जुलाई सन 2000 को कौन सा दिन होगा, यहीं पे पूछा जा रहा है। तो माह में बचे दिन का मतलब अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में जितने माह पड़ेंगे उन माह में कितने कितने दिन बचे हैं उनको हमें नोट करके बटे में सात कर देना है। तो अप्रैल तो ये हो गया, अप्रैल के बाद इसमें मई, उसके बाद जून, और उसके बाद जुलाई यहां पे लिखा ही हुआ है। तो अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा अप्रैल कितने दिन का होता है, 28, 29 या 30 या 31 दिन का। तो गड्ढे में आ जाए तो 30 और ऊंचाई पे आ जाए तो 31, और फरवरी आप जानते ही हैं कि लीप वर्ष रहे तो 29 का, साधारण वर्ष रहे तो 28 का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, गड्ढे में आ गया यानी 30 का महीना है, तो 30 में से 9 निकाल दीजिए, यानी अप्रैल माह में कितना दिन बचा है, 21 दिन। हमेशा याद रखिए, जहां से चलते हम लोग उसको छोड़ कर गिनते हैं और जहां पहुंचते हैं उसको लेकर गिनते हैं, ये पुरानी ट्रिक मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। तो 9 को छोड़कर अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, तो 21 मैंने लिख दिया, और उसके बाद मई में कितने दिन बचे हैं, तो मई कितने का महीना होता है, तो 31 का महीना। अब जून कितने का महीना होता है, तो 30 का महीना। अब जुलाई में, जुलाई तो 31 का महीना होता है लेकिन हमें 17 तक ही बढ़ना है, तो इस 17 को लेके पूरा 17 हम लिख देंगे इसमें, यानी कि जुलाई ये हो गया। अब सबके बटा में चूंकि सात होता है, तो आप चाहें तो सात से सबको कटा के सात शेषफल लिखते जाइए, 7 × 21 शेषफल 0, 7 × 28 शेषफल 3, 7 × 28 शेषफल 2। तो यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है समय बचाने के लिए, कि जहां भी दिन के रूप में 31 लिखा जाए तो वहां पे आप तुरंत 3 लिखा करिए, जहां 30 लिखने का मन हो वहां तुरंत 2 लिखा करिए, क्योंकि हर दिन कैलेंडर के प्रश्न में दिन के बटे में सात छुपा होता है। 7 × 14 = 15, 16 = 17, यानी शेषफल 3। तो अब कितना हो, 3 × 2 = 5, और 5 × 3 = 8, 8 / 7 करेंगे तो फिर 7 से भाग देंगे, और आज 7 से तब तक भाग देना है जब तक कि वो संख्या 7 या 7 से कम ना हो जाए। तो 7 × 7 और शेषफल 1, तो जो ये शेषफल लास्ट में आएगा 1, उसी को उस शुक्रवार में जोड़ देंगे, यानी कि शुक्रवार और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, शनिवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं शनिवार। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक दो प्रश्न लगाएंगे उसके बाद आप मुजबानी प्रश्न को भी मन में कल्पना करके लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। मैं समझाने के लिए बहुत विस्तार से लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं। दूसरा प्रश्न है, यदि 29 सितंबर, तो यहां लिख दीजिए, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं 29 सितंबर को रविवार, यहां वर्ष नहीं दे रहा है फिर भी हम लिख रहे हैं रविवार था, तो कोई भी साल होगा क्योंकि फरवरी बीत चुका है, 28-29 से मतलब नहीं है, 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो यहां हम लिख ले रहे हैं थोड़ी सी दूरी पे 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यही यहां पे पूछा जा रहा है। तो जो भी शेषफल आएगा उसको दिए गए दिन में हमको जो उसको जैसे रविवार दिया तो दिए गए दिन में जोड़ देंगे, यही पीछे का दे के आगे का दे के पीछे का पूछेगा, तो जो शेषफल आएगा वो दिए गए दिन में हम लोग घटा देंगे। तो रवि सितंबर है तो सितंबर से हमको दिसंबर तक पहुंचना है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, और उसके बाद दिसंबर, यहाँ लिखा ही हुआ है।
तो सितंबर में माह में बचे दिन बटा में सात, तो सितंबर में कितने दिन का कितना दिन बचा है, तो सितंबर कितने का महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और ये सितंबर गड्ढे में 30 का महीना है, यानी कि 29 जहाँ चलते हैं उसको छोड़ के जहाँ पहुँचते हैं उसको लेके, यानी 29 को छोड़ के सितंबर में कितना दिन बचा है, एक। अब अक्टूबर में कितना दिन, तो अक्टूबर कितने का होता है, 31 का महीना है, लेकिन अब यहाँ पे समय बचाने के लिए मैं 31 के जगह पे 3 लिख दे रहे हैं। अब नवंबर 30 का महीना होता है, तो समय बचाने के लिए 30 के जगह पे हम 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे 30 दिसंबर, दिसंबर 31 का महीना होता है, लेकिन हमको कैलकुलेशन 30 दिसंबर तक ही का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30, या 30 के बदले में डायरेक्ट लिख देते हैं 2। तो 3 × 4, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, तो 8 बटा में 7 करेंगे तो 7 × 7 शेषफल फिर 1 आ गया, यानी कि रविवार दिए गए दिन में रविवार में एक दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोमवार। दोस्तों यही याद रखिए, अगर 30 दिसंबर को सोमवार दे रहा है और 29 सितंबर को पूछ रहा है, तो जो शेषफल आएगा उसको सोमवार में से घटा देंगे, पीछे जाने पर माइनस आगे जाने पर प्लस, यहाँ पे हम लिख देते हैं सोमवार। एक प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़े जाऊंगा, यदि 1 फरवरी 1920, वैसे ही 1 फरवरी, अब समय बचाने के लिए बस थोड़े में लिख दिए, 1 फरवरी 1920 को क्या था, तो बृहस्पतिवार या गुरुवार था, तो पूछा जा रहा है हमसे 5 मार्च को, 5 मार्च सन यही है, क्योंकि 1920 को कौन सा दिन था, तो फरवरी से बस मार्च तक ही बढ़ना है। तो अब फरवरी में हम कितना दिन बढ़ाएं, अगर फरवरी 28 की माने या 29 की माने, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा 1920 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो 1920 को 4 से विभाजित करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, यानी कि ये लीप वर्ष है। यहीं पे मैं लीप वर्ष की भी थोड़े से बात कर ले रहा हूँ झटके में, आप समझ लीजिएगा, जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो हो उसको आप 400 से कटाइए, कट जाए तो लीप वर्ष, और जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो ना हो उसको आप 4 से कटाइए, कट जाए तो लीप वर्ष। फिर से सुनिए, जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो हो उसको आपको 400 से कटाना है, विभाजित करना है, और जिसके लास्ट में डबल जीरो ना हो, एक जीरो हो या उससे कम हो, तो आपको उसको 4 से विभाजित करना है, कट जाए तो लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पर हम इसे 4 से विभाजित करेंगे, कट गया यानी कि ये लीप वर्ष होगा, यानी कि फरवरी 29 की होगी, तो फरवरी में 1 फरवरी को छोड़कर कितना दिन बचा है, तो 28 दिन बचा, क्योंकि फरवरी 29 दिन की होगी, और मार्च में चूंकि इस दिन को लेकर हम लोग चलेंगे तो ये 5, तो फिर यहीं से कटा लेते 7 × 28 शेषफल 0। अब ये 5 है ही, तो बृहस्पतिवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, यानी हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं मंगलवार। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, जो हो सकता है आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि इसमें 17 अगस्त का पूछ के और जुलाई का पूछा जा रहा है, अगस्त की जानकारी दी जा रही है, जुलाई का पूछा जा रहा है, यानी आपको माइनस में जाना पड़ेगा, माइनस का मतलब पीछे जाना पड़ेगा, यानी जो रिजल्ट आएगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर थोड़ी सी, हो सकता है प्रश्न आसानी से लगा ले जाएं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो, प्रश्न का आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर दिक्कत के साथ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता दूंगा, जिसमें आपको पीछे चलना, समय में पीछे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना आसान आपको आगे जाने में लगता है उतना ही आसान आपको पीछे जाने में भी लगने लगेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।